ये आने वाले लोकसभा चुनाव दिल्ली के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें अक्सर दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देंगे। कई बार वोट दे लिया प्रधानमंत्री बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। इस बार दिल्ली के लोग पूर्ण राज्य के लिए वोट देंगे। उस मायने में ये वाला लोकसभा चुनाव दिल्ली के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछले 70 साल से दिल्ली के लोगों का शोषण हो रहा है और दिल्ली के लोगों का अपमान हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उन्होंने कहा था कि एक आदमी का एक वोट होगा, चाहे वो तमिलनाडु का रहने वाला हो, चाहे आंध्र प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला हो, चाहे आसाम का रहने वाला हो, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, हर आदमी का एक वोट होगा। लेकिन इन लोगों ने दिल्ली के लोगों का अपमान किया और दिल्ली के लोगों का आज आधा वोट है और बाकी पूरे देश के लोगों का एक वोट है। 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, 70 साल से दिल्ली के लोगों का शोषण किया जा रहा है। आज दिल्ली सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे, बॉम्बे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स इकट्ठा करके देता है केंद्र सरकार को, दिल्ली दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स इकट्ठा करके देती है केंद्र सरकार को। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली के लोग इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली पे केवल 325 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये सरासर नाइंसाफी है। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।